कालावली में शनिवार को शुरू हुई हल्की बरसात जारी रहने से जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, वहीं दूसरी ओर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात को लेकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। बता दें कि बरसात के कारण पककर तैयार हो चुकी नरमा, कपास और गवार आदि की फसल को नुकसान होने की संभावना है। बेमौसमी बरसात से तो नुकसान ही होता है। अगर यही बरसात आज से 20-25 दिन पहले होती तो इससे नरमे का रेसा है वो भी ठीक बनता और अच्छी फसल होती। अब बेमौसमी बरसात के कारण अगर ये 2-3 दिन लगातार चलती रही तो इसका रेसा लटक जाएगा और ये अंदर जो बिनोड़ा है इसके अंकुरित होने का खतरा है। नरमा खराब हो तो है आज बरसात से, और लेवर आई हुई अबार से वो सारे दिन की बेली बैठी है, कोई काम चला नहीं, नरमा सारा लटक गया है और बहुत बढ़िया फसल थी वो सारी खराब हो गई बरसात से। असीं पंजाब तो लंबी ब्लाक तो मुक्तसर जिले तो इत्थे खवाली नरमा टोल वास्ते आए हाँ। आ जिहड़ा मीह पिया इहने किसानां दा भी नुकसान है ते मजदूरां दा उदों भी किसान नुकसान है कि असीं आपदे जवाक जले लै के नाल आए हाँ, वेले बैठे हाँ। नरमा जिहड़ा उहदा भी लमकिया जिहड़ा आपदे खर्चे ते हुण असीं घरे बैठे हाँ। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।